खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव सहित उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट व धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। यह FIR उनकी छोटी बहू रेखा की शिकायत पर की गई है। उपायुक्त की छोटी बहू ने उन पर उनके बेटों, पत्नी व बड़ी बहू पर 20 लाख रुपए मायके ले जाने और नहीं ला पाने की स्थिति में लौटाकर नहीं आने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मांग पूरी नहीं करने पर भूखे रखना, घर की बिजली बंद कर कहीं चले जाना आदि तरह से प्रताड़ना की शिकायत की है। पुलिस ने रविवार रात को नगर निगम उपायुक्त व उनके दो बेटों, बड़ी बहू व पत्नी पर मामला दर्ज किया है। अतिबल सिंह यादव का नाम व्यापम कांड में भी चर्चित रहा था, तब वह फरार भी रहे थे। नगर निगम उपायुक्त पर FIR छोटी बहू ने 20 लाख रुपए दहेज मांगने, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का लगाया था आरोप। महिला थाना में मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला शहर के थाटीपुर निवासी 29 वर्षीय रेखा यादव की शादी 30 जून 2020 को नगर निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव के बेटे अरुण यादव के साथ हुई थी। शादी का कार्यक्रम होटल सेल्टर में हुआ था। रेखा का कहना है कि उसके पिता ने सगाई पर 10 लाख रुपए, फिर शादी में 15 लाख रुपए नगद, क्रेटा कार, अरुण को सोने का ब्रेसलेट व अन्य गहने व पूरे परिवार को सोने की अंगूठियां सहित करीब 90 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन जब वह ससुराल पहुंची तो कुछ दिन बाद ही उसे कम दहेज लाने की कमेंट सुनने को मिले। ससुर अतिबल यादव, पति अरुण यादव, सास सुमन यादव, जेठ वरुण यादव, जेठानी गौरी दहेज न लाने की उलाहना देते थे। इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि नगर निगम उपायुक्त अतिबल व उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जो भी तथ्य निकल कर जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।